खनिया थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों से क्षेत्रवासी काफी परेशान थे और खनिया थाना प्रभारी को इसकी शिकायतें कर चुके थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी तिमेश छारी ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और मुखबिर से सूचना मिली कि खनिया थाना क्षेत्र के नया गांव गुडा में एक व्यक्ति सस्ते दामों में ट्रैक्टर बेचता है, जिस पर तुरंत थाना प्रभारी खनिया थाना ने पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल को अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसडीओपी पिछोर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ने एक टीम बनाकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान नया गांव गुडा में दबिश थी तो आरोपी संतोष लोधी के घर पर ही मिला। जब आरोपी के घर के पीछे बने टपरे में एक नीले रंग का सोनालिका ट्रैक्टर व दो लाल रंग के महेंद्र ट्रैक्टर खड़े मिले, जिन पर कोई नंबर नहीं था। खनिया थाना पुलिस ने तीनों ट्रैक्टर को मौके पर जब्त किया और वहीं दूसरे आरोपी राम यादव निवासी बेलबाड़ी से एक ट्रैक्टर जब्त किया है। ऐसे मिलाकर कुल 5 ट्रैक्टर खनिया थाना पुलिस ने जब्त किए हैं, जिनकी कुल लागत 35 लाख रुपए आकी गई है। फिलहाल 5 चोरी के ट्रैक्टरों सहित आरोपी को पकड़कर थाने लाए और आरोपी को और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। खनिया थाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। कहां से पकड़ेगा, क्या है पूरा मामला? दिनांक 25/10/2022 को फरियादी अजय पाल पुत्र समृद्ध पाल निवासी नयावा गुडर ने थाने में रिपोर्ट करी थी कि उसको जो है आयसर ट्रैक्टर 485 इसको जो है संतोष लोधी ने बेच दिया, इसको बेचा संतोष लोधी ने। और जब इसने रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन चेक कराया तो वो रजिस्ट्रेशन शो नहीं हो रहा था, तो इसने ट्रैक्टर उसको वापस कर दिया, इसके घर पर रख दिया और थाने में रिपोर्ट की। इसके आधार पर संतोष लोधी के विरुद्ध धारा 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद आरटीओ विदिशा से इसके ट्रैक्टर की जानकारी ली गई तो वहाँ रजिस्ट्रेशन फर्जी पाया गया। इसके आधार पर इस प्रकरण में धारा 467/68/71 बढ़ाई गई। कल दिनांक 15/11/2022 को आरोपी संतोष लोधी को उसके घर से गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 3 ट्रैक्टर और, जिसमें एक सोनालिका, 2 महिंद्रा, 1 फार्म ट्रैक, ये जो है जब्त किए गए हैं। उसके विरुद्ध अलग से 41/4/389 की कहीं में अलग से की गई है और उक्त प्रकरण में भी इसको गिरफ्तार किया गया। ये और कुछ लोगों के नाम बताएं, ग्रोहित है इनका या यही अकेला काम कर रहा था? नहीं, इसके साथ कुछ लोग जो है अशोकनगर में कदवाया पकड़े गए, उनके विरुद्ध भी आगे कार्रवाई करेंगे। इसके पहले एक आरोपी और श्रीराम यादव बीरबावड़ी का, वो भी गिरफ्तार किया गया था, उससे एक ट्रैक्टर जब्त किया गया। इस तरह कुल 5 ट्रैक्टर कीमत करीब 35 लाख रुपए की चोरी का मुशुर्का बरामद किया गया है। आपस में संबंध है एक दूसरे से? अब इस बात की विवेचना में आगे जांच करेंगे कि इसके क्या संबंध है, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और भी ट्रैक्टर हो सकते हैं, इसकी कुछ संभावना है? अभी और पूछताछ कर रहे हैं, देखो आगे क्या निकलता है इस बारे में।